वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल ओपन मोशन। थैंक यू रियली फॉर ऑल योर लव, सपोर्ट, लाइक्स, कमेंट्स, बिकॉज दे आर एक्टिंग एज एन इंस्पिरेशन एंड अ कैटलिस्ट फॉर अस टू ब्रिंग एवरी डे समथिंग गुड फॉर यू। सो नाउ विदाउट वेस्ट मच टाइम, लेट्स कंटिन्यू एंड एंजॉय टुडेज वीडियो। तो दोस्तों, ये बात है आज से लगभग 10 साल पहले की, जब मेरा एक मित्र हमारे शहर से निकलकर एक मेट्रोपॉलिटन में आया नौकरी करने के। शादी हो चुकी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन था, सीएस कर चुका था और प्लेसमेंट कैंपस से हो गया था, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ रो हाउसेस होते हैं, एक साथ कई सारे मकान लाइन से होते हैं, रो हाउसेस। और जब हम अपने शहर से बाहर निकलते हैं, अपने उस छोटे से शहर से बाहर निकलते हैं, तो हमारी सबकी एक इच्छा होती है कि हम किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहें, स्काई स्क्रेपर्स में रहें, जिससे हम सबको देख सकें और लगे कि हम आसमां छू रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ आशा उसकी थी और वो इस मेट्रोपॉलिटन शहर में आता है और वो मकान लेता है 17वें माले पर। मैरिज हो चुकी थी, एक हफ्ता करीब सेटलमेंट करके अपने घर का वापस जाता है, अपनी वाइफ को लेके आता है, जो कि उसी कंपनी में प्लेस थी, दोनों एक ही जगह जॉब करते थे और उनकी आदत होती है, तो उसको भी थी। और वाइफ किचन में चाय बना रही थी कि तभी अचानक से आवाज आती है, जरा सुनते हो, अंदर आओ, बाहर कहाँ खड़े हो, अंदर आओ। और नई मैरिज हुई थी, वो घबरा गया, क्या हो गया, कहीं गैस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, गैस तो लीक नहीं, कुछ नहीं। तो वो अंदर जाता है, कहता है, देखो ये कितने गंदे लोग यहाँ रहते, कैसी सोसाइटी में तुमने मकान ले लिया। वो देखता है, कुछ समझता नहीं है, कहता है, कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे, चला आता है। अब तैयार होकर वो ऑफिस चला जाता है, शाम को वापस आता है, बैठा होता है, चाय पी रहा होता है, ऐसे दिनचर्या चल रही होती। लेकिन अब ये रोज का सिलसिला बन गया था, एवरी मॉर्निंग दिस हैपेंस, कि कैसी सोसाइटी में तुमने घर ले लिया है, यहां लोग कितने गंदे रहते हैं। तो एक दिन उससे पूछा, आखिर प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। जब उसने जाके देखा तो उसने कहा, देखो कितने गंदे लोग रहते हैं, कपड़े तक नहीं साफ लगाते, कितने गंदे कपड़े रखते हैं, देखो उस व्हाइट शर्ट को कितनी गंदी है। उसने मुस्कुरा के कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, हम तो कर लेते हैं, तुम्हें तो कुछ मतलब नहीं है। वाइफ ने बोलना शुरू किया कि तुम्हें तो कोई मतलब नहीं है, और मैं कब से कह रही हूँ कि मकान चेंज करो, कैसी सोसाइटी में तुमने मकान ले लिया है, या इनको जाके कोई बताओ कि कपड़े इनके गंदे हैं। तो ये सिलसिला लगभग करीब एक हफ्ता चलता रहा, रोज सुबह उठती, उस चीज की शिकायत करती, फिर जीवन नॉर्मल चलता। एक सुबह छुट्टी का दिन था और मेरा मित्र ही पहले उठ गया, किचन में गया, काम वाम करने लगा, तो बर्तन की आवाज हुई, तो वाइफ उठ के आई और उसने कहा, मुझे क्यों नहीं जगाया, मैं कर लेता, एक अच्छी फैमिली की तरह। और अचानक उसकी नजर बाहर पड़ती है, उसी खिड़की से बाहर, और देखती है कि अरे आज तो इनके कपड़े बड़े साफ हैं, लगता है शायद इन्होंने साबुन बदल लिया या फिर उन्होंने कपड़े खरीद लिए नए, हो सकता है, या किसी ने उनको समझा दिया हो इन सबको जाके। तो वो मुस्कुरा के वहां से चला आता है, फिर वाइफ पीछे आती है, कहती है, तुमने जवाब नहीं दिया, ना तुम पहले देते, ना आज तुमने जवाब दिया। तो उसने कहा कि एक्चुअली हमारी खिड़की का शीशा गंदा था। जी हाँ दोस्तों, अक्सर यही होता है हमारे जीवन में कि हम अपने ऊपर देखने से पहले हम सबको देखते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, ता उम्र ये गुनाह मैं बार बार करता रहा, ता उम्र ये गुनाह मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। जी हाँ दोस्तों, हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया, हमारा ऑब्जर्वेशन अगर साफ है तो हमें सब कुछ बहुत सुंदर और सकारात्मक और पॉजिटिव दिखेगा। आशा करता हूँ इस स्टोरी का जो मकसद था, टू हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, टू हैव अ वेरी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, अ वेरी फोकस्ड अप्रोच एंड अ वेरी वायंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एवरीथिंग, सो दिस विल एक्चुअली हेल्प अस इन अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया, कुछ अच्छा लेकर। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें, देखते रहें आपका अपना चैनल ओपन ओशन। थैंक यू।